वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं टॉप 5 ऐसे कॉइन्स जो मार्च के पूरे महीने में आपको फ्लैक्चुएट करते हुए दिखाई देंगे। और जब किसी कॉइन में फ्लैक्चुएशन होती है तो वो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ सबसे वीडियो का अहम जो पार्ट है वो आपने स्किप नहीं करना, वो ये है कि आपने उनको बाय किन प्राइस में करना है। डेली क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस में जब मैं आपको 12 आवर की ट्रेड बताता हूं तो दोस्तों अक्सर दोस्त उसमें 12 आवर की ट्रेड लेकर के ये माइंड बना लेते हैं कि ये हमने शायद लंबे अरसे के लिए बाय किए थे। तो दोस्तों, वो होती है हमारी 12 आवर की ट्रेड। ये जो वीडियो मैं आपसे सेपरेट शेयर करता हूँ, इसमें मैं आपको आगाही देता हूँ कि आपको अगर ये कॉइन जब तक इस बाइंग लिमिट पे नहीं मिलते जो मैं आगे जाके के आपसे शेयर करने वाला हूं, तो आपने तब तक बाय नहीं करने, और जब वो उस लिमिट पे आ जाएंगे तो आपने उन्हें बाय कर लेना है और एक्यूरेटली वीडियो को फॉलो करना है। आप यकीनन मार्च के महीने में इन कॉइन्स में से एक बार नहीं 10 बार अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन लिमिट आपने यही फॉलो करनी है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। पहले कि हम उन कॉइन्स के बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन करें प्राइस लिमिट के बारे में, उससे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, आपने वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे चैनल से निकलती हुई हर इन्फॉर्मेशन फौरी तौर पे नोटिफिकेशन की शक्ल में आपको मिल जाए तो आपने बेल आइकन के बटन को क्लिक ज़रूर कर देना है। और लेट नाइट अपडेट हासिल करने के लिए आपने हमारे सपोर्टिंग चैनल अलमक्का टेक बाय उस्मान हुसैन को भी सब्सक्राइब कर लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको तमाम कॉइन्स के सिग्नल फ्री मिलते हैं। बढ़ते हैं जल्दी से कॉइन्स वैल्यूज की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टॉप 5 कॉइन में से ENS कॉइन के बारे में, जो जिसका मुकम्मल नाम है इथेरियम नेम सर्विस, रैंक है इसका 156। तो दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि मार्च के महीने में ये कॉइन आपको बहुत ही अच्छी प्रॉफिट दे सकता है अगर आप इसे फॉलो करते हैं इसके एक्यूरेटी टाइम फ्रेम को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में इसने 14.30 से 16.66 का हाई लगाया है, यानी कि $2.30 का इसने आपको इजीली प्रॉफिट दे दिया है। तो दोस्तों, किसी भी कॉइन में अर्निंग करने से पहले मैं समझता हूँ कि आप उसके एक टाइम ऑल टाइम हाई को ज़रूर चेक कर लें। और यहाँ पर हम ENS की ऑल टाइम हाई की बात करें तो दोस्तों, इसका ऑल टाइम हाई है $80। अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि हमें इसको अकॉर्डिंग टू द मार्केट किस तरह इसमें एंट्री लेनी है। तो दोस्तों, आप इसमें एंट्री लीजिएगा $11 पे। $11 की आपने इसमें बिड करनी है, जो कि लाजम आप अपनी अकॉर्डिंग टू द मार्केट इसे अचीव कर लेंगे, लेकिन आपने इसकी करंट प्राइस पे इस पर अर्न नहीं करना। ऑलरेडी हमें ये 8.76% के लो पर दिखाई दे रहा है, इससे पहले कि ये 8.76 का हाई पकड़े आपने इसे उसी टाइम पे बाय करना है जो मैंने आपको बता दिया है। और आपका अगर उतावलापन यहाँ पर बीच आता है तो आप यकीनन अपने पोर्टफोलियो के लिए गलती कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर आप में बहुत जल्दी है तो 11.50 सेंट में आप इसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, या आपको पूरे मार्च के महीने में अच्छी प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि रिसेंटली जनवरी फरवरी से लेकर के उससे पिछले जितने भी माह में हमने आपसे कोई भी अगर कॉइन्स शेयर किए तो उन्होंने पूरे मंथ में आपको ट्रेड दी, लिहाजा आपने पूरे मंथ में अगर इसमें ट्रेड लेनी है तो यकीनन आपको इसकी टाइम लिमिट को फॉलो करना होगा। अब बढ़ते हैं जल्दी से सेकंड कॉइन की तरफ। अब बात कर लेते हैं सेकंड वन कॉइन की दोस्तों, तो नाम है इसका ETC इथेरियम क्लासिक, रैंक 35, 26.77 और 28.60 के लो हाई में इसने फ्लक्चुएशन की है। ऑल टाइम हाई मैं इसका आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, वो है $120। तो दोस्तों, ये मार्च के महीने में मैं समझता हूँ कि इन टॉप 5 कॉइन में से आपकी खासी नज़र ENS के बाद इथेरियम क्लासिक पे ज़रूर होनी चाहिए। ये आपको अगर आप एक अच्छे खासे टाइम पे बाय करते हैं तो ये आपको प्रॉफिट दे सकता है, और आपने इसे कमोबेश $24 में ज़रूर बाय करना है जब भी आपको ये देखने को मिले, क्योंकि इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस कॉइन में, और ये आने वाले वक्तों में खैर आपको बहुत कुछ देखने को और दिखाने को मिल सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल मार्च 2022 के लिए। ज़हन में रखिएगा, किसी भी कॉइन्स के लिए मेरे अल्फाजों को आपने स्किप नहीं करना। क्रिप्टो में अगर आपने एक वर्ड भी मिस कर दिया तो आप अपने सरमाए का सत्यानाश कर बैठेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपने इसमें जो एंट्री आपको बताई है उसी में एंट्री लेनी है, और आप इंशाल्लाह पूरे मंथ में मार्केट क्रैश करे रिकवर करे आप इसके साथ अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर बिलफर्ज मार्केट 30,000 तक क्रैश कर जाती है, जिसके फिल वक्त कोई ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे नेक्स्ट 2 डेज तक,
तो आप इसमें 25 में एंट्री ले सकते हैं। देन अदरवाइज कहीं भी मार्केट बड़ा क्रैश कर जाती है तो ये अकॉर्डिंग टू द मार्केट आपने बाय करना है, यानी कि $20 पे। अब बढ़ते हैं थर्ड कॉइन की तरफ। तो दोस्तों थर्ड वन कॉइन के तौर पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा BCH कॉइन को, यानी कि बिटकॉइन कैश को। 291 इसका अब की प्राइस हमें देखने को मिल रही है, 285.64 का इसका लो है और हाई है 302.14 का। ये मार्केट में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है और इसकी एंट्री टाइमिंग एक तो मैं आपको डेली मार्केटिंग में बताता हूँ वो 12 आवर की होती है, काइंडली फॉलो कीजिएगा। और ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये पूरे मार्च के महीने में वर्क करेगी, यानी कि आपको ये अगर 290 पे अभी बाय करने को मिल रहा है, जैसे ही ये आपको 275 पर दिखाई दे आपने लाजम बाय करना है और आप इसमें अच्छा खासा इनकम गेन कर सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, वीडियो का मिड आ चुका है कि हमने सेल कहाँ पर करना है। तो दोस्तों जहाँ पर ये कॉइन आपको $20-25 का प्रॉफिट दे आपने मार्केट से एग्जिट ले लेना है। यही एक कनिंग पर्सन की निशानी है मार्केट से टाइम के हिसाब से एग्जिट ले लेने की, क्योंकि वो बहुत से दोस्त मार्केट में एंट्री लेना तो जानते हैं, एग्जिट होते हुए अक्सर वो पैनिक हो जाते हैं कि अब प्रॉफिट बढ़ती जाए। तो दोस्तों आपने प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना, और ध्यान में रखिएगा ये कॉइन डायरेक्ट इथेरियम के रेट के साथ कनेक्ट होता है, उसकी के प्राइस से अप एंड डाउन भी होता है। अब बढ़ते हैं जल्दी से फोर्थ वन कॉइन की तरफ। सो दोस्तों फोर्थ वन कॉइन की पोजीशन पर हमने आपसे डिस्कस करना है आज ZRX, यानी कि OX इसका नाम है कॉइन का। 49 सेंट पे हमें ये बाय करने को अवेलेबल है और आपने एंट्री इसमें कमोबेश 35 सेंट में लेनी है। अगर ये 35 सेंट पे आपको देखने को नहीं मिलता आपने एंट्री नहीं लेनी, लेकिन 35 सेंट के ऊपर आपको ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी फ्लक्चुएशन करता है और मार्केट में इसकी पोजीशन भी टाइम के हिसाब से बहुत ही बेटर होती जा रही है। अब यहाँ पर ये कॉइन मैंने इसलिए आपसे शेयर किया है कि आप में से कई दोस्त होंगे जिनकी रेंज कम होगी तो उनके अकॉर्डिंग ZRX कॉइन तो आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ज़हन में रखिएगा कि आपको किसी भी सूरत अपने लिए कोई मजबूरी या परेशानी पैदा करके क्रिप्टो में इन नहीं होना, क्योंकि कोई भी ऐसा पैसा जो आपके पास किसी की अमानत है या किसी का मतलब आपका नहीं है, या अगर आपका है तो आपको सारा पैसा मार्केट में लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड। तो आपने क्या करना है, इसे मेरे बताए हुए टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बाय करना है जहां पर आपको ये मिलेगा, और जैसे ही आप प्रॉफिट में आए आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। अब जल्दी से बात कर लेते हैं फिफ्थ वन कॉइन के लिए जो मार्च में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों मोनेरो कॉइन के बारे में, XMR। इनमें पांचों कॉइन में से आपको 4 कॉइन बायनांस पे इजीली मिल जाएंगे, रैंक है इसका 43। सुपरबली दोस्तों ये कॉइन वर्क करता है। अगर आप इस कॉइन को मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं मार्केट में जो ऐसा कॉइन आपसे शेयर ही नहीं करते जो जिसका उनसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि दुनिया में लोग पेड प्रमोशनों के चक्कर में दूसरों का सरमाया ज़ाया करवा देते हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसे लगता है कि ये कॉइन आपको मार्च में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो $480 इसका ऑल टाइम हाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने 160 में ही इसमें एंट्री ले लेनी है। डेली एंट्री के तौर पे मैं ये कॉइन आपको रोज़ बताता हूँ और उसकी टारगेट लिमिट भी बताता हूँ, और बहुत दोस्त इससे डेली के तौर पे अर्न भी करते हैं। अब आपने मार्च में अर्निंग करनी है वीकली मंथली कैसे भी, तो इसको आपने 145 पे बाय कर लेना है, और ये आपको 145 पे किसी भी मार्च के दिन में इजीली देखने को मिल सकता है, और ये कॉइन आपको बड़ी अच्छी प्रॉफिट देगा। लेकिन आपने यहाँ पर एक टारगेट अपने लिए सेट कर लेना है कि अगर ये कॉइन अभी आपको 160 पर दिखाई दे रहा है तो मेरे साथ तो कम से कम अब ये बिलियंस बार हो चुका है, ट्रिलियंस बार, कि कई दोस्त हमें कहते हैं सर आप जो टारगेट वीडियो में बताते हैं फौरी वहाँ पर कॉइन नहीं आता। तो दोस्तों 3 नहीं तो 4 चौथे दिन वो टारगेट पूरा हो जाता है। तो आपको जब ये 145 पे दिखाई देगा आपने इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना है, और इसकी जो लिमिट है बढ़ने की वो 180-185 है। आप इसमें से मुजाक में $35-30 अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों होपफुली आपको मेरी ये पांचों कॉइन जो मैंने मार्च में मुझे लग रहा है कि इनमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल और हमें एनर्जी देखने को मिल सकती है अपने पोर्टफोलियो में, अगर आपके पास एक्स्ट्रा USDT मौजूद हो तो ज़रूर आपने बाय करने हैं, इन्हें इग्नोर नहीं करना। ये मार्च में ज़रूर चमकेंगे क्योंकि इन्होंने फरवरी में भी बहुत अच्छा वर्क किया, लेकिन फॉर एंड ऑफ द
फरवरी में, इसलिए मैंने आपसे ये नेक्स्ट डेज के लिए डिस्कस किया है। तो दोस्तों अपने आपने क्या करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे सपोर्टिंग चैनल अलमक्का टेक बाय उस्मान हुसैन को सब्सक्राइब कर लेना है। और कोई भी शख्स आपको मेरी तस्वीर लगा करके आपसे कोई किसी भी किस्म के क्रिप्टो के प्लान को डिस्कस करे, आपसे व्हाट्सएप नंबर शेयर करे, उसे डिलीट कर दीजिएगा, क्योंकि हम अपना कॉन्टैक्ट किसी से शेयर नहीं करते। हमारा लिंक अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो उसका ईमेल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको हर लेटेस्ट न्यूज़ बकायदा मेरी वॉइस की शक्ल में मिलती रहेगी। इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।